नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों, आरपीसी सेकंड ग्रेड की निदेशालय से बहुत बड़ी खबर आई है। निदेशक महोदय ने जारी किया है प्रेस नोट, मंडल आवंटन की बड़ी खबर। इससे संबंधित इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम आगे बढ़े इस चैनल पर, अगर आप हमारे नए मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी के आइकन को दबा देना, जिससे हमारे द्वारा किया गया प्रयास सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों, चलते हैं खबर की ओर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मंडल आवंटन हो रहे हैं, ये 2016 के संबंध में हैं। कल हमने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में ये लिखा हुआ था, आपको बताया कि जो 2016 के मंडल आवंटन होने के बाद 2018 के मंडल आवंटन होंगे। तो कईयों के फ़ोन आए, सर ये बात सही है क्या? तो इससे संबंधित आज प्रेस नोट जारी किया है निदेशक मोदी ने, आप देख सकते हो 25/5/2020 आज की तारीख ये दे सकते हो। सबसे पहले तो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, ये क्रमांक नंबर दे सकते हो। समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संभाग कार्यालय, विषय क्या है इसका? राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय भर्ती परीक्षा 2016 के संबंध में उपयुक्त विषय के अंतर्गत लेख है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय भर्ती परीक्षा 2016 के अंतर्गत समस्त विषय में चयनित पात्र एवं आयोग से अभी प्रस्तावित अभ्यर्थियों को समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश की अनुपालना में, जो राज्य सरकार द्वारा जो जारी किया जाता है दिशा निर्देश, उसकी अनुपालना में अभ्यर्थियों की विकल्प प्राथमिकता मेट क्रमांक चयन वर्ग के आधार पर मंडल आवंटन किया जाकर काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति है तो आपको सुपुर्द किए गए थे। उस क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय भर्ती परीक्षा 2016 के अंतर्गत समय समय पर समस्त विषय में आपके मंडल को आवंटित अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना निर्धारित प्रारूप में तैयार की जाए। तो दोस्तों, ये देख सकते हो वरिष्ठ अध्यापक का जितने भी हैं उनको TSP नॉन TSP अलग अलग जितनी भी सूचना है, ये सूचना मांगी गई है। कार्यकरण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में, कार्यरत अभ्यर्थियों के संबंध में जितने भी है, न्यायालय वाद स्थानांतरण के कारण से मंडल प्रवृत्त अभ्यर्थियों के संबंध में ये प्रमाण पत्र है, मैं प्रमाणित करता हूँ। उक्त तीनों प्रारूपों में तैयार सूचना आज दिनांक तक सही एवं पूर्ण है तथा उक्त वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय भर्ती परीक्षा 2016 से संबंधित, और ये आप देख सकते हो उक्त तीनों प्रारूप प्रमाण पत्र सही सूचना 7 दिवस में इस कार्यालय को हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी में मेल आईडी में उपलब्ध कराए सौरभ स्वामी IAS, ये अर्जेंट लिखा हुआ है इन 7 दिन। तो दोस्तों, कल हमने एक वीडियो बनाया था, उससे मैं आपको बता देता हूँ कि इनका मंडल आवंटन जो कोर्ट में गए थे 2016 गए, उनका मंडल आवंटन वापस होगा, ऐसा ये आप देख सकते हो। इसमें आज ये नूतलमाना बाला सॉरी भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति स्टेज है, नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर शिक्षा निदेशालय ने राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा है, राज्य सरकार ने मार्गदर्शन दे दिया है। आपको ये बता देता हूँ मैं कि शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा आवेदन जांच के बाद ऑनलाइन मंडल की प्राथमिकता लेकर मेरिट से मंडल आवंटन होगा। और इस प्रकार दोस्तों, इसके साथ ये खबर कल बताई थी आपको, राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेष्टा ने कल ही कहा था 24 तारीख, आज 25 तारीख को ये प्रेस नोट, इसमें कहा था कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 में चयनित शिक्षकों के उचित पद स्थापन के क्रम में जो पद स्थापन हुआ था उनका सही नहीं हुआ था, इसलिए वो कोर्ट गए थे, कोर्ट में आदेश आ गया था। इस पर समस्त राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ कार्यकारिणी सदस्य और प्रदेशाध्यक्ष भैरूराम जी चौधरी द्वारा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 में चयनित शिक्षकों को पूर्ण सुसंगत मंडल आवंटन ने उचित न्याय दिलवाने हेतु पूर्ण मनोभाव से किए गए प्रयासों का ये साक्षी परिचय दिया था, कल बताया गया था। इसमें दोस्तों ये क्लियर था कि मंडल आवंटन होगा। कहीं जो मेरे साथियों का फोन आया था कि वास्तव में सर ऐसा होगा क्या, तो बिल्कुल आज प्रेस नोट जारी हो गया है। दोस्तों, इनके बाद जल्द ही सेकंड ग्रेड का ये आप देख सकते हो, ये 2016 के समस्त अभ्यर्थियों को पुनः ऑनलाइन मेरिट के अनुसार
मंडल व जिला बनना है, सभी वरिष्ठ अध्यापकों के पद स्थापन रिव्यू होंगे और वो भी 7-8 दिनों के अंदर। ये शिक्षक संघ का लेटर पेड है और इसके दूसरे दिन ही ये आता है, इसके ये और दे सकते हो। नए सिरे से सभी का पद स्थापन करने के बाद 2018 भर्ती के वरिष्ठ अध्यापकों के मंडल आवंटित किए जाएंगे। तो दोस्तों आपका कार्य 2018 का भी जल्दी मंडल आवंटन हो जाएंगे। ये 7 दिनों के अंदर अंदर इनको अर्जेंट जितने भी हैं इनको बताना है, उसके बाद 2018 के भर्ती के मंडल आवंटित हो गए। ये देख सकते हो आप, राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ ज्येष्ठा माध्यमिक शिक्षा महोदय सौरभ जी स्वामी का तहे दिल से आभार अभिनंदन प्रकट करते हैं। ये बेरूराम जी और ये का इन्होंने भी संगठन से जुड़े, ये दोस्तों बहुत बड़ी खबर है। और कल हमने ये वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी थी, आज प्रेस नोट जारी हो गया है, अब जल्दी आपका मंडल भी आवंटित हो जाएंगे 2018 के, 2016 के वापस मंडल आवंटन होंगे। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है, ये प्रेस नोट आप दे सकते हो अर्जेंट 7 डेज। दोस्तों खबर कैसी लगी, नीचे और किसी प्रकार से जानकारी प्राप्त करनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। अब हम इस वीडियो से विदा ले रहे हैं, जल्दी मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।